नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय हिंदू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा चंपा का प्लांट, तो आप देख सकते हो अभी सर्दियाँ चल रही है, इसका डोरमेंसी पीरियड आ गया है, तो चल रहा है डोरमेंसी पीरियड ही। तो ऐसे में देखिए इसकी पत्तियाँ येल्लो हो रही, तो आज मैं कुछ ऐसी बात बताऊँगा आपको देखभाल के बारे में सर्दियों में इसकी, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो मेरा पौधा लगा हुआ है वो प्लास्टिक की बकेट में लगा हुआ है, और एक कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है मैंने, ये देख सकते हो आप। ये जो 25 लीटर वाली बकेट आती है प्लास्टिक की, जो बड़ी सी, उसमें लगाया हुआ है देखिए। तो ये देखिए अभी ये पत्तियाँ येलो हो रही है, काफ़ी सारी पत्तियाँ नीचे भी गिरी हुई है। तो सर्दियों में क्या होता है, ये तो ये वाली वैरायटी है, मतलब ये वाइट वाला, इसमें तो कुछ पत्तियाँ दिख रही है आपको, ये रहा यहाँ पे पिंक वाला, ये देखिए पिंक वाला पूरा खाली पड़ा है, बस डंडियाँ ही बची है। तो ऐसे में हमारे पौधे की हम देखभाल कैसे करें, क्या हमें करना चाहिए, वो सब आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात आती है कि सर्दियों में इसमें पानी की और फर्टिलाइज़र की, तो पानी का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। क्यों ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ अब नहीं रहती है, फ्लावरिंग धीरे धीरे ये बंद कर देता है देखिए इस तरह से। तो इसमें पानी की बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, पानी आपको देख के मिट्टी चेक करके देना पड़ता है। अगर पौधे की मिट्टी, जो गमले की मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा गीली गीली रहती है, तो इस टाइम आपका पौधा ख़राब हो सकता है। क्यों, क्योंकि पौधे को इतना ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, गमले में भरा रहेगा, प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ पौधा है, तो फिर क्या होगा कि देखिए ये मेरी मिट्टी दिख रही है आपको, एकदम कैसी मिट्टी है, इसमें थोड़ा सा पानी नहीं रुकता, ऊपर की थोड़ी थोड़ी सूखी दिख रही, नीचे ऐसे देखिए थोड़ी गीली है। तो आज मैं इसको पानी नहीं दूंगा, कल दूंगा, क्योंकि इसमें 2 दिन बाद मैं इसको पानी देता हूँ। और ये देख सकते हो कैसा पेड़ के जैसा आकार ले लिया है इसने, तो इसको 2 दिन बाद पानी में देता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देता हूँ, या फिर 2 दिन छोड़ के फिर पानी देता हूँ। इस तरह से मैं इस पौधे को पानी देता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी ज़्यादा पानी हो गया तो हमारा जो इतनी मेहनत करके हम हमारे पौधे को तैयार करते हैं, बड़े करते हैं, वो थोड़ी सी हमारी गलती की, लापरवाही की वजह से मर जाते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि इसकी जितनी भी ऐसी येल्लो पत्तियाँ हो रही है, उन सबको आपको हटा देना है। ये देखिए येल्लो पत्तियाँ और जितनी भी है पीली पत्तियाँ, उनको इस तरह से आप धीरे से हाथ लगाइए, अगर निकलती है तो हटा दीजिए, हटा के इसको अलग कर दीजिए पौधे से। इससे क्या होगा कि पौधे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी उनकी पत्तियाँ गिराने में। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा पत्तियाँ गिरी हुई है, तो ये काम आपको करना है, इससे पौधा आपका अच्छा रहेगा। और दूसरा काम आपको ये करना है, यहाँ पे देखिए इस टाइम ऐसे सीड पॉट बनते हैं आपके पौधे में बने हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो इनको भी कट करके रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसके सीड कभी मैंने ग्रो किए नहीं, और ग्रो करने होंगे तो बाहर बहुत ज़्यादा पेड़ है बड़े बड़े, वहाँ मिल जाते हैं, तो उनको भी कट करके आप हटा दीजिए, कैंची की सहायता से कीजिए, या कैंची या फिर चाकू से या फिर हाथ से, ऐसे हाथ से तोड़ोगे तो इसमें से देखिए वाइट लिक्विड निकलता है, वो आपके हाथ पे लगेगा, फिर हाथ को आपको अच्छे से हैंड वॉश से धोना पड़ेगा या साबुन से। देखिए इस तरह से मेरे प्लांट पे काफ़ी 4-5 ऐसे सीड पॉट बने, देखिए ये हटा दूंगा मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये मैं रखूँगा नहीं। ये जो सीड पॉट है वो बड़े होने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं हमारी पौधे की, तो इसीलिए हम इसको हटा देंगे। एक काम ये आपको कर लेना है कि सारे सीड पॉट अगर हो तो अगर हटा देने हैं। सीड पॉट हटाने के बाद अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि आपका पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करे। जब ये पत्तियाँ गिरा रहा है वो गिराने के बाद जब ग्रोथ इसकी आने आए तो पौधा तुरंत ही मतलब शॉक में ना जाए, ग्रोथ चालू कर दे। इसके लिए आपको गोबर की खाद, जो गोबर की खाद है वो देनी है, अच्छी सी सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए, और आपके गमले की सब, देखिए मेरा बड़ा गमला है आपको दिख रहा होगा, ऊपर मैंने गोबर की खाद डाली हुई है, लगभग मैंने 4-5 मुट्ठी भर के खाद डाली है। ये देखिए एकदम सड़ी हुई है, ये रहे देखिए,
तो गोबर की खाद सड़ी हुई आपको डालनी है। इससे क्या होगा कि अब जब पानी दोगे थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर डाल देनी है। जब भी पानी दोगे तो थोड़ा 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 न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा। नीचे नहीं डालना है, पूरा गुड़ाई करके प्लांट को निकाल के ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। बस थोड़ी थोड़ी ऊपर थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके ऐसे बिखेर दीजिए। मैंने ऐसे ही रख दिया है, देखिए ऊपर ही डाल दिया था। तो इससे प्लांट को थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और आपका पौधा है वो अपनी ग्रोथ करता रहेगा। उससे क्या है कि जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो वेस्ट होती है पत्तियाँ गिराने में, पौधा ये हो जाता है, तो उसमें उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये काम आपको करना है कि इसमें फर्टिलाइज़र, आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी रहती है। पर गोबर की खाद है हमारी वो ज़्यादा गर्म रहती है, इससे पौधे को जड़ में गर्मी रहती है जड़ों में, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये काम आपको करना है कि गोबर की खाद। अब सनलाइट के बारे में बात करूँ तो इस पौधे को आपको ऐसी जगह पे रखना है सनलाइट में कि जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिले, क्योंकि इसको शेड में नहीं रखना है हमें, पूरे दिन की धूप मिले वैसी जगह पे रखना है हमें जहाँ इसको अच्छे से धूप मिले। आपके वहाँ पूरे दिन की धूप नहीं आती तो 3-4 घंटे की कम से कम धूप आती हो, वैसी जगह पे आप रखिए तो आपका पौधा अच्छे से चलेगा। शेड में रखने से क्या होगा कि पौधा फिर फ्लावरिंग रोक देता है या फ्लावरिंग करता नहीं है, और पौधा अपनी ग्रोथ में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी पत्तियाँ जो येलो होकर गिरने लगती है वो जल्दी गिरेगी नहीं, या फिर तो पौधा बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे है कारण कि इसकी वजह से हमें इसको शेड में नहीं रखना। इसको फुल सनलाइट में चलने वाला पौधा है, चाहे प्लास्टिक में गमले में रखा हुआ लगाया हो या फिर सीमेंट के या मिट्टी के गमले में। इस पौधे को थोड़े बड़े से गमले में लगाइए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका पौधा चलेगा, और आपका पौधा भले सर्दियाँ चल रही हो और फिर भी एकदम हेल्दी हो जाएगा और हरा भरा। जैसे अपनी पत्तियाँ एक गिराएगा थोड़ी सी, मतलब हमारे 14 जनवरी जाएगी, उसके बाद ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, नई नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब अभी थोड़ी देखभाल करोगे तो आपका पौधा जल्दी अच्छा होने लगेगा और अपनी ग्रोथ करने लगेगा। देखिए आप यहाँ पे ये सब ये नई पत्तियाँ दिख रही है आपको, तो ऐसे ही आपके वहाँ भी नई नई पत्तियाँ आने लगी। और ये पत्तियाँ हटाने का काम, रिमूव करने का काम, वो सब आप रो मॉर्निंग में करना है, लगभग 7-8 बजे, रात शाम के टाइम नहीं करना है। शाम के टाइम करने से क्या होगा कि इस पर ओस गिरती है और वहाँ से कभी कभी फंगस भी लगती है, हमारा कट किया हुआ पार्ट है इसीलिए। तो मॉर्निंग में ये काम कर लीजिए आप। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड्स, बाय।